अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। पीपल पर आवर के कंप्लीट कोर्स के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस पूरे कोर्स के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप पीपल पर आवर के ऊपर अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीटली ए टू जी होने वाला है। इसके अंदर सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। चाहे फिर आप न्यू भी हैं या इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर हैं, आप लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपकी इनकम को बढ़ाने में और अच्छे खासे क्लाइंट्स लेने में पीपल पर आवर से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, कौन लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स की आउटलाइंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कौन लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हर वो शख्स जिसके पास कोई भी स्किल है, छोटी हो या बड़ी स्किल, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है और इसको आगे सीरीज को कंप्लीट देख सकता है और इसकी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे कोर्सेज डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, विक्स के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, स्क्वेयरस्पेस के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर। आप इजीली उनको सीख सकते हैं। पूरे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन है स्पेशली न्यूबीज के लिए। आप विद इन वीक कोई भी स्किल वहाँ से जाके सीख सकते हैं और फिर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है मैंने इन सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं ज़रा दूसरे टॉपिक के ऊपर कि इस पूरे कोर्स के आउटलाइंस क्या होने वाली है। तो इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पूरे कोर्स के आउटलाइंस क्या है। जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हमारे पास कंप्लीट जो है वो कोर्स आउटलाइंस मैंने डिज़ाइन करके रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा पीपल पर आवर का, हर स्टेप हर पॉइंट क्लियर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अकाउंट क्रिएशन, आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाएंगे। जितने भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर देखे या कोर्सेज देखे, उनके ऊपर इस चीज़ के अबाउट बात की ही नहीं जाती और बताया ही नहीं जाता आप लोगों को प्रोफाइल किस तरह से अप्रूव की जाए। तो जब आपकी प्रोफाइल ही अप्रूव नहीं होगी तो फिर आप कोर्स कंप्लीट करके करोगे क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सॉलिड मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपकी प्रोफाइल 100% अप्रूव होगी। लाइव आपको अप्रूव करके दिखाऊंगा, राइट। उसके बाद अप्रूव करने के बाद आपको किस तरह से उसको सेटअप करना है, किस तरह से उसकी सेटिंग्स करनी है, पोर्टफोलियो किस तरह से ऐड करना है, कहाँ से बनाना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ों के बाद बात करेंगे। फिर किस तरह से पीपल पर आवर वर्क करता है, उसकी गिग्स और जॉब सर्च, और किस तरह से प्रपोजल लिखना है, भेजना है, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है, तो इन सारी चीज़ों के अबाउट मैं बात करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से पेमेंट मैथड्स अटैच कर सकते हैं अपने पीपल पर आवर अकाउंट के साथ, और कौन कौन से पेमेंट मैथड्स अटैच करके आप अपनी पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास वो है कम्युनिकेशन, इसके अबाउट मैं बात करूँगा और बहुत ही डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ कम्युनिकेशन के अबाउट, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप $100 के क्लाइंट को $1000 के अंदर ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ आप कम्युनिकेशन के बेसिस के ऊपर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ हैं किस तरह से आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं फ्रीलांस इनकम को, और ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप विद इन डेज के अंदर सीख सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए। बेसिकली स्किल्स ये छोटी स्किल्स होंगी, बट मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कोई अच्छी स्किल सीखें अगर आपके पास स्किल नहीं है। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कम्प्लीट मैंने दिया हुआ है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग से शुरू करें, बाकी के डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म विक्स, स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप कोर्स मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके साथ साथ ही मैंने फाइवर और अपर के रेलिवेंट कंप्लीट कोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा देंगे किस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो फाइवर पे, अपर पे, और ये पीपल पर आवर है। इसके अबाउट मैं डिटेल के अंदर पूरे कोर्स के अंदर बात करने वाला हूँ। तो आई होप ये कोर्स इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुँचती रहें और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीपल पर आवर के अबाउट, पीपल पर आवर क्या है और किस तरह से काम करता है, बेसिक सा ओवरव्यू देखेंगे। तो पीपल पर आवर एक यूके बेस्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं डिफरेंट बायर्स को, और आपको जो पेमेंट्स हैं वो पाउंड्स की शक्ल में देखने को मिलती हैं, बाद में आप उनको कन्वर्ट करके डॉलर्स के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के डिटेल के अंदर बात करेंगे।
इसके ऊपर आप जॉब्स पे अप्लाई भी कर सकते हो और अपनी गिग्स वगैरह भी लगा सकते हैं। गिग्स क्या होती हैं और जॉब पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के मज़ीद डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर पीपल पर आवर के बेनिफिट्स की तो वो क्या है। पीपल पर आवर एक लेस सैचुरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ज़्यादा फ्रीलांसर्स नहीं है, जब क्लाइंट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको और आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अगर आप मंथ में 400 से 500 pounds भी कमाते हैं पीपल पर आवर से, तो आपकी ऑलमोस्ट 1-1.5 lakh इनकम बन जाती है, राइट, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे। लोग पहले कहते थे कि फाइवर को ज्वाइन करें एज ए न्यू बी, बट मैं अब यहाँ पे कहूँगा कि आप पीपल पर आवर पे एज ए न्यू बी ज्वाइन करें और आपको अच्छे क्लाइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको पीपल पर आवर के प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात की आपको गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप पीपल पर आवर को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते हैं एज ए न्यू बी या एज ए एक्सपर्ट, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन आप पीपल पर आवर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि यहाँ से आपको क्लाइंट लाजमी मिलेगा और बहुत सारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट भी हम बात करेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा इन्वाइट्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपको जो क्लाइंट्स मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको कोई इतना खासे पैसे लगते भी नहीं हैं, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ना लगाना चाहें तो आप फ्री में इस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेट्स सपोज आपको अगर फर्स्ट 3 months के अंदर कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो आपकी प्रोफाइल के लिए फिर आपको पे करना पड़ता है, अगर आपको मिल जाता है फिर आपको पे नहीं करना पड़ता। इस तरह की कुछ और चीज़ें जो कि हम आगे चल के डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो पीपल पर आवर आपको ज्वाइन करना चाहिए, ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आप किसी और प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर न्यू भी हैं तो फाइवर की जगह पहले इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और अगर ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को लाजमी ज्वाइन करें। और इस प्लेटफॉर्म के अबाउट में डिटेल के अंदर इस पूरे कोर्स में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम नेक्स्ट टास्क के ऊपर बात करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग पीपल पर आवर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि अपना प्रोफाइल पूरी तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये इशू आता है कि उनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती। तो मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को लाइव अप्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरी प्रोफाइल अप्रूव होती है। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर सारे स्टेप्स को देखते हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैंने पीपल पर आवर ओपन किया हुआ है, और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है ये VPN। इसका नाम है ब्राउसेक VPN। आप सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे ब्राउसेक एक्सटेंशन और क्रोम के अंदर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें फर्स्ट एक्सटेंशन आ रही है, इसको आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा गेट का, सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। ये पहला काम कर लिया। अब इसको ऑन नहीं करना VPN को, सिंपल इसको ऑफ ही रहने देना, और यहाँ पे हम अपना साइन अप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करने के बाद साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल नेम लिखना है, और यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल मौजूद है, इस ईमेल को मैं यूज़ करूँगा। आप कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हैं, अपनी पर्सनल या न्यू बना सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और सिंपल क्लिक करूँगा साइन अप के ऊपर। जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा स्क्रीन पर। यहाँ पे देखें आपको इस तरह का कुछ मैसेज नज़र आएगा, सॉरी वी आर क्लोज्ड, वी आर वेरी सॉरी बट वी आर एक्सपीरियंस हाई नंबर ऑफ़ फ्रीलांसिंग एप्लीकेशन, अनेबल टू एक्सेप्ट फर्दर एनी एप्लीकेशन, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको बाईपास इस तरह से करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, तो सिंपल आपने इस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बैक साइड पे देखें आपको ग्रीन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है कि वेरिफिकेशन ईमेल सेंड टू सक्सेसफुली वेबमास्टर, मतलब ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आ चुकी है। मैं अब इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे वेरिफिकेशन ईमेल आई है या नहीं आई। मैं स्पैम में चेक कर लेता हूँ ज़रा। ओके, यहाँ पे भी नहीं, एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेता हूँ।
स्टिल यहाँ पे कोई ईमेल नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या फिर इसको दोबारा से प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे देखें ऑलरेडी सेंड, तो मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कोई ईमेल आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है। यहाँ पे ये वाला इसी तरह से रहने देना आप लोगों ने, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिंपल एक ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल आपके ईमेल पे यहाँ पे इस तरह से चली जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा वीपीएन का काम आता है। सिंपल आपने इसको अब ऑन कर लेना और ये इसकी लोकेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट सेट कर लेनी है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स सेट कर ली और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है और एक्टिवेट अकाउंट पे सिंपल क्लिक कर देना। करने के बाद हमारे पास इसको इसने रीडायरेक्ट कर दे कुछ इस तरह से यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास वो एप्लीकेशन का नंबर आ गया। अब यहाँ पे देखें आपको कहीं पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि आप इसको हाइड करें या क्या करें। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। अभी के लिए जस्ट हमने अपनी ओरिजिनल डिटेल चूज़ करनी है, लेकिन रैंडम चूज़ करनी है क्योंकि वो सारी डिटेल्स हम बाद में चेंज करने वाले हैं, मतलब अच्छी तरह से उनको प्रेजेंट करेंगे। बट राइट नाउ आपने अपनी ओरिजिनल डिटेल्स ही देनी है, लेकिन क्या करना है आप लोगों ने, शॉर्ट डिटेल्स देनी है। यहाँ पे जॉब टाइटल मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर, राइट। और यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ, दो चार स्किल्स मेंशन कर देता हूँ। ओके, ओके यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की, एक जॉब टाइटल ऐड किया और यहाँ पे देखें सिंपल मैंने कुछ स्किल्स ऐड कर दी, बेसिक सी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पे मैंने एक बेसिक सी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, आप चाहें जो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन वगैरह ऐड कर दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, यहाँ पे ये लोकेशन है। और इसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो लैंग्वेजेस डाल देनी है। ओके, कुछ इस तरह से मैंने लैंग्वेजेस डाल दी यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे अपना आवरली रेट सेट कर देना है £10 per hour, और सिंपल मुझे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने पीपल पर आवर पे आना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको वो एक नोटिफिकेशन देगा कि हमने एप्लीकेशन जो है क्लोज़ कर दी। आपने डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको एक वेरीफिकेशन ई मिल जाएगी। जैसे ही वेरीफिकेशन ई मिल जाए आपने ये VPN ऑन कर देना है। VPN ऑन करने के बाद आपने सिंपल क्लिक करना है एक्टिवेट अकाउंट, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ये डिटेल्स आपने बेसिक से फिल कर देनी और सिंपल आपने क्या कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे ये हमें ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि आप $10 पे करेंगे, £10 पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, हमने सिंपल जो स्टैंडर्ड फ्री है उसको चूज़ करना है और प्रोसीड भी क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें योर एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू, और आपको 7 दिन के अंदर जो है रिप्लाई आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा, पर आपने मेक श्योर के फ्री वाला प्लान ही यूज़ करना है, £10 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ये सारे कुछ करने के बाद मुझे क्या कर लेना है, इस VPN को ऑफ कर देना है, और अब इस VPN को कभी ऑन नहीं करना है इस प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए। सिंपल आपको अब क्या होगा कि एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, अप्रूवल ईमेल आ जाएगी और आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ ज़रा ईमेल के ऊपर और यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास देखिए एक और ऑप्शन आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि अपलोड पोर्टफोलियो। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को कुछ इस तरह से जो है ले आएगा, और यहाँ पर आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो भी फिल कर देनी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं रिमेनिंग इमेज जो है ये कवर इमेज है, तो मैं यहाँ पे कवर इमेज जो है वो गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे वेबसाइट वेब डिज़ाइनर।
और मैंने यहाँ पे ये इमेजेस पे आया और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा लेट्स से कवर इमेज, ओके मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब ये जो सारी डिटेल्स डाल रहे हैं ये हम अब टेम्परेरी डाल रहे हैं, मतलब जस्ट फिल करने के लिए और अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवाने के लिए। बाद के अंदर हम इनको ज़रा अच्छे से प्रोफेशनली डिज़ाइन करेंगे और वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग इसको डिज़ाइन करोगे और किस तरह से इसको ऐड करेंगे, राइट। तो अभी के लिए जस्ट मैं गूगल से ही उठा के चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से आ गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज़र लेना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ इमेजेस डाल लेनी है अपनी मतलब वेबसाइट डिज़ाइन की बेसिक से जो इमेजेस हैं वो आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है। चले मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ये आ गया और ये आ गया एंड यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इसी तरह से ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, इसको रहने देते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली, इनको मैं सिंपल आके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा 1, 2 एंड 3 और तब तक ये अपलोड हो रही है। यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है, यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और अपना जो भी फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। लेट्स से ओके, ये अभी अपलोड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद मैंने इसको अगेन सेव कर देना। सेव करने के बाद हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो हो गई। अब ये कंप्लीट जो काम है वो हम कर चुके हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको एक्टिवेशन ईमेल जाएगी, VPN ऑन करना है, एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस पूरी जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है, फिल करने के बाद सबमिट कर देना है, फ्री वाला प्लान सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन आपको एक ईमेल जाएगी जिसके अंदर वो आपसे कहेगा कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, कुछ इस तरह की ईमेल होगी और उसके अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह कुछ इस तरह से सेटअप कर देना है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया और उसके बाद सेव कर देना है। अब ये सेव कर देना और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास एक एप्लीकेशन आ चुकी है, एक अप्रूवल ईमेल, योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड। और यहाँ पे देखें हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली लाइव इन फ्रंट ऑफ यू अप्रूव हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और अब आपने VPN ऑन नहीं करना और VPN ऑन करके अपनी प्रोफाइल को यूज़ नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी प्रोफाइल है। अब इसको हम इसको कट कर दें, इसको भी कट कर दें और यहाँ पे देखें ये हमारी प्रोफाइल है। अब इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो जो चीज़ें इसके अंदर लगानी है वो लगाएंगे और उसके बाद इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये थी प्रोफाइल क्रिएशन और प्रोफाइल अप्रूवल, बहुत ही सिंपल। आई होप आपको समझ आएगी। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग के अबाउट, किस तरह से प्रोफाइल पिक्चर को अच्छे तरीके से सेटअप करना है, डिज़ाइन करना है, एडिट करना है और किस तरह से कवर इमेज को डिज़ाइन करना है। तो ये दोनों काम आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दी। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेसिक सी प्रोफाइल पिक्चर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट है कट आउट प्रो, राइट। इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है पासपोर्ट फोटो मेकर, राइट। इस पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे केस के अंदर ये हमारी इमेज है, सिंपल हमने ये अपलोड की। अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने कुछ इंटरफेस नज़र आ जाएगा। के अंदर हम ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं,
हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर मैं ये वाला साइज़ यूज़ करता हूँ, ये सेकंड वाला, क्योंकि ये जो है वो चारों साइडों से इक्वल है ऑलमोस्ट। तो ये करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, ये मुझसे साइन इन मांग रहा है, तो सिंपल मैं इस पर साइन इन कर दूँगा। ओके, नाउ आई हैव टू क्लिक ओवर हेयर। ये जो भी आपको यहाँ से एड्रेस जो है वो पसंद आ रहा है, वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और सेटअप कर देना है। तो यहाँ से ये कुछ खासा अच्छा लग नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाला यूज़ करते हैं जो कि है ये। यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन ये भी कुछ बड़ा लग रहा है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अगेन, आई थिंक ब्लू वन। ओके, यहाँ पे देखें, ये कुछ ही अच्छा लग रहा है कदरे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, या फिर ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गया, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और PFP मेकर इस वाली वेबसाइट पे चला जाऊँगा। इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को पे ये वाली इमेज जो है वो अपलोड कर दूँगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये देखें, जनरेटिंग प्रोफाइल फ़ोटोज़, ये अच्छे तरीके से इनको पिक्चर को एनालाइज करके एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर जनरेट कर देगा। यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल पिक्चर शो हो गई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली निकाल लेता हूँ। लेट्स से ये काफ़ी अच्छी इमेज लग रही है, तो मैं इसको राउंडेड फॉर्म के अंदर इस तरह से डाउनलोड कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल है और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, राइट। तो मुझे वो सही लगी, वो मैंने डाउनलोड कर ली। और उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एडिट प्रोफाइल पे कर दूँगा क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है, और अपनी जो इमेज हमने अभी डिज़ाइन की है उसको मैं यहाँ पे सेटअप कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कितना बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो हमारी पहले पिक्चर थी वो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से थी, पर यहाँ पे हमारी जो फाइनल पिक्चर निकल के आएगी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी कूल नज़र आएगी। तो मैं सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से ये ऑप्शन चला गया, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ पे थोड़ी देर में खुद ब खुद अपेयर हो जाएगी, राइट। ये कि इस तरह से हमने कुछ प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन कर ली। अब यहाँ पे हम ये कवर इमेज की बात करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे हम आ जाते हैं कैनवा पे, और यहाँ पे मैंने गूगल किया हुआ है कि पीपल पर आवर का जो कवर है उसका इमेज साइज़ क्या है, तो वो है 1400x570। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कस्टम साइज़ पे आता हूँ, और यहाँ पे 1400x570 पे क्लिक ऐड करके और क्रिएट डिज़ाइन कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये ब्लैंक कैनवस नज़र आ चुका है मेरे सामने, और यहाँ पे हमारे सामने कुछ इसी साइज़ के अंदर डिज़ाइंस नज़र आ जाएंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी अपने जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कॉपी राइटर हैं, जो कुछ भी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप वेब लिखेंगे, वेबसाइट या जो भी लिखेंगे, जो भी आपकी निश होगी उससे रेलिवेंट आप यहाँ पे इमेजेस ढूंढ सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे मुझे कोई इमेज नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको अगेन वापस ले जाऊँगा और यहीं से कोई चूज करके उसके अंदर पिक्चर वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे बिजनेस मार्केटिंग एजेंसी और इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मेरे केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई सिंपल सा ही चूज़ करता हूँ जो कि अच्छे तरीके से हमारी जो सर्विस है या वो है उसको डिस्क्राइब कर सके। ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, लेट्स से वेब डिज़ाइन, राइट। और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ, राइट। और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी डिलीट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मेरे सामने कुछ इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें, इनको मैं रहने देता हूँ, और इनको मैं क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ।
अब मेरे केस के अंदर ये मेरा जो कवर इमेज है वो भी डाउनलोड हो चुका है और फाइल पिक्चर भी मैंने बहुत ही प्रोफेशनल अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर ली है। अब मैं इसको कवर इमेज को जो है वो चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरी कवर इमेज है ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी कुछ इस तरह से, और मैं प्रोफाइल पिक्चर को भी यहाँ पर दोबारा भी ही ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है। ओके, यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, ये प्रोफाइल पिक्चर ये दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं और मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोफाइल पिक्चर और जो है कवर इमेज वो हमने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की और सेटअप कर ली। यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सबमिट हो चुकी है, मतलब जो आपने चेंजेस किए हैं वो सबमिट हो चुके हैं, वो चेंजेस अप्रूव होंगे तो आपकी प्रोफाइल पे वो चेंजेस शो हो जाएंगे। तो हमारे केस में चेंजेस हमारे प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज भी आपने सेटअप कर दिया है, तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे आपकी जो ये कवर इमेज है और ये प्रोफाइल पिक्चर है ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो आई होप आपको समझ आएगी किस तरह से आप प्रोफाइल पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, प्रोफेशनल पिक्चर बना सकते हैं और अपना कवर इमेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं पीपल पर आवर के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीपल पर आवर के डैशबोर्ड के अबाउट, के डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों को नजर आएंगे, कौन सी सेटिंग्स को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, इन सारी चीज़ों के अबाउट हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इन सारे ऑप्शन को। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे सामने कुछ टॉप के ऊपर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेता हूँ पोस्ट एंड ऑफर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको यूज़ करते हुए गिग बना सकते हैं। अगर आप फाइवर से थोड़ा सा फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा गिग क्या होता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना गिग क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली इसको मैं गिग को आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा और एक गिग जो है वो पोस्ट करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन है जिसके अंदर ऑफर्स और फ्रीलांसर्स को सर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं, तो ये सर्च का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स हैं, आप पर्सन या प्रोफाइल को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को फेवरेट कर सकते हैं और वो जो फेवरेट्स वाली चीज़ें हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी ताकि आप उनको याद रखें, बुकमार्क की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल के रेलिवेंट होंगे, कोई आपको इनवाइट आया है, कोई बायर ने आपको कांटेक्ट किया है, या जितने भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से हमारे मैसेजेस आप देख पाएंगे जितने भी हैं, और फाइनली यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अवेलेबल नाउ, मेक श्योर कि ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल नाउ का ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अ प्रोजेक्ट सिंपल, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे पोस्ट अ प्रोजेक्ट व्हाट यू नीड, बेसिकली ये बायर्स के लिए होता है लेकिन हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है, जब डैशबोर्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे प्रोफाइल्स के जितने भी स्टैट्स हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हमारे कितने प्रपोजल लेफ्ट हो गए हैं, कितनी पेमेंट्स हमारी आ गई हैं, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन्विटेशन कितने आए हैं, प्रपोजल क्रेडिट्स क्या होते हैं, आगे चल के मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाएंगी, आपका सर्ट लेवल क्या है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर जो भी एडिट्स करने हैं आपने, अपने यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, अपनी स्किल्स ऐड करनी है, यहाँ से अपने अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियोज़ वगैरह ऐड करने हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके रिव्यूज़, आपके प्रोफाइल के रेलिवेंट जो बायर्स ने आपको दिए हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन है प्रोफाइल के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीलांसर एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको आपके तमाम डाटा मिल जाएगा कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे जो है प्रपोजल भेजा, पेंडिंग अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स आपको मिल चुके हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में कितने हैं और अर्निंग सो फार आपकी कितनी हो चुकी है, तो ये सारी स्टैट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट्स का, यहाँ से आप अपने जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे चल के हम डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से पेमेंट मेथड्स जो हैं वो इंटीग्रेट करने हैं अपने पीपल पर आवर अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके प्रोफाइल का यूआरएल आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अकाउंट की स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव है नहीं है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, प्रपोजल क्रेडिट कितने हैं कितने नहीं हैं,
इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। बेसिकली ये बेसिक डाटा है, राइट। उसके बाद हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको अभी आप छोड़ दें। बस एक ऑप्शन को आप देख सकते हैं जो है कस्टमर सपोर्ट। आपके प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके उस इशू को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये था बेसिक सा इंटरफेस पीपल पर आवर का। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी इंटरफेस के अबाउट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई भी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही आप लोगों को, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग पीपल पर आवर की जो प्रोफाइल है उसकी सेटिंग्स किस तरह से करेंगे। अभी तक हमने प्रोफाइल क्रिएट की और बेसिक सी डमी सेटिंग्स की थी प्रोफाइल अप्रूवल के लिए। वो सारी चीज़ें हो गई हैं। डैशबोर्ड का ओवरव्यू आप लोगों ने देख लिया। अगर अभी तक ये लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ये सारे लेक्चर्स देख लें। तो आज हम जो पीपल पर आवर की जो प्रोफाइल थी उसकी सेटिंग्स करेंगे और कौन कौन से सेटिंग्स नेसेसरी हैं, किस तरह से अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये सारे काम किस तरह से करें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है, योर प्रोफाइल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। मतलब जो भी चेंजेस हमने की थी अपनी प्रोफाइल के अंदर, जो प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज चेंज की थी, तो यहाँ पे देखें वो जो है हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। और सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, गो टू प्रोफाइल, इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें ये मेरे प्रोफाइल जो है सेटअप हो चुकी है। जो भी कवर इमेज और प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगाई थी वो यहाँ पे अच्छे तरीके से शो हो चुकी हैं, राइट। तो ये जो बेसिक सेटिंग थी ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बाकी सेटिंग्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ऑप्शन है। नेम हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, प्रोफाइल पिक्चर और ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है जॉब टाइटल की। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोगों ने जो टाइटल है वो बहुत ही केयरफुली और अच्छे तरीके से यूज़ करना है। अपनी जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करनी है। तो अब देखिए मैं किस तरह से इस पूरे टाइटल को डिज़ाइन करता हूँ। लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। अच्छा, एंड की जगह पे मैं ये साइन यूज़ कर दूँगा ताकि हमें वर्ड्स बच जाए हमारे। और मैंने कुछ इस तरह से साइन दे के और मैं यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स लिख दूँगा, वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई, स्क्वेयर स्पेस एंड एसईओ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से अपना जो टाइटल है उसके अंदर अपनी सारी जो स्किल्स हैं वो सारी इस तरह से कुछ मेंशन कर दी हैं। और आप भी अपनी स्किल्स, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वेबसाइट ग्राफिक डिज़ाइनर, और फिर आगे टूल्स जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने टाइटल के अंदर अपने आप को जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास हैं योर स्किल्स, तो यहाँ पे आपने टोटल 15 स्किल्स ही ऐड करनी है। यहाँ पे ये यह हमने डमी डाली थी स्टार्टिंग के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोफाइल अप्रूवल। अब हम यहाँ पे कोई अच्छे तरीके से अपनी जो हमारी रियल स्किल्स हैं उनको डालेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिखेंगे और यहाँ पे कुछ सजेशंस आ जाएंगे। अगेन वर्डप्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे फिर सजेशंस आ जाएंगे। तो मैं जब तक सजेशंस आ रहे हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेन स्किल इस प्रोफाइल की हमने यही सिलेक्ट की है। तो मैं अभी के लिए यही सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और इससे रिलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे, राइट। ओके, वर्डप्रेस वाले कीवर्ड यहाँ पे टारगेट हो गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा विक्स, और यहाँ पे देखें विक्स का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉपिफाई, शॉपिफाई की देखें यहाँ पे शॉपिफाई, अगेन शॉपिफाई और अगेन शॉपिफाई। देखिए शॉपिफाई के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमने टारगेट कर लिए। अब यहाँ पे विक्स का कोई आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विक्स के प्रोजेक्ट्स नहीं है। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मुझे देखने को विक्स के ही मिले हैं यहाँ पे। तो आप विक्स अगर आपको नहीं आता तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कोर्स वो अपनी इसी चैनल के ऊपर डाला हुआ है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं विद इन 2 to 3 days अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ स्क्वेयर स्पेस, तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वेयर स्पेस आ गया। आई थिंक वो ऐड नहीं हुआ, ओके स्क्वेयर स्पेस आ गया। 1, 2, 3,
13 स्किल्स हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ SEO के रेलिवेंट लिख देता हूँ, SEO मोज या SEO या फिर सर्च कंप्लीट लिखता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे सर्च और सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 स्किल्स मैंने एग्जैक्टली हाईली टारगेट करके अपनी जो स्किल थी उससे रेलिवेंट ही कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, और जो सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो भी मुझे सजेशन में शो हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे शो कर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अबाउट आवर सेल्फ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ChatGPT ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, माई सेल्फ तौसीक अज़हर एंड आई एम वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर, वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट मी। तो ये ChatGPT को मैंने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी, और यहाँ पे देखें ये छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे अबाउट लिख देगा जिसको मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखें इसमें काफ़ी लेंथी जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज़ नहीं की, वो नहीं लिखी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं उठाऊँगा और मैं आ जाऊँगा वापस अपनी प्रोफाइल के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो है, इन पोर्टफोलियोज़ को मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये जस्ट हमने डमी ऐड किए थे, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल अप्रूवल के लिए। तो अभी मैं मेरे पास कुछ यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वो है मौजूद। तो आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो अब आपने कहाँ से लेने हैं, पोर्टफोलियो आप गूगल से भी उठा के यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास इनके स्किल है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं है, किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो आप गूगल से उठा सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट से उठा सकते हैं, जैसे ड्रिबल हो गई या इस तरह की और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हो गई, वहाँ से आप कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो उठा के अपनी प्रोफाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो Behance.net है, इसके अलावा 99 डिज़ाइन है, इस तरह की और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे से अच्छे से जो डिज़ाइन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा किसी और का जो पोर्टफोलियो वो आप यूज़ करें, कोशिश करें कि परमिशन ले लें, अगर नहीं ले सकते तो फिर गूगल से उठा के यूज़ कर सकते हैं, और स्टिल अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो है तो और वो अच्छा पोर्टफोलियो है तो आप उसी को ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पोर्टफोलियोज़ मौजूद थे तो मैंने उनको यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने उनको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ पे मैं सिंपल जो अपने कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट करूँगा। लेट्स सपोज वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन विद ई कॉमर्स विद वूकॉमर्स, वूकॉमर्स बेसिकली प्लगइन है हमारे पास। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपने अपने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इनको ऐड कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे आपने अपने स्किल के मुताबिक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर दी और यहाँ पे ये काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे देखें आप जितने चाहे पोर्टफोलियोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बेसिक 4 से 5 ही यूज़ किए। यहाँ पे हमने लोकेशन सेट कर दी, यहाँ पे हमने लैंग्वेजेस आपने एग्जैक्टली ऐसे ही सेट कर देनी, इंडस्ट्रीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखें हमें जो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें IT है, इंटरनेट है, मार्केटिंग है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है और एडवर्टाइजिंग यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली 5, और यहाँ पे मेरे पास जो आवरली रेट है इसको यूज़ करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, और नंबर फ़ोन नंबर हम पहले डाल चुके हैं तो इसको करके हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यहाँ पे देखें हमने जैसे इसको सेव किया तो ये हमें ले आए इसी तरह पर, और कुछ ही देर में आपको कुछ इस तरह की ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपने जो चेंजेस किए हैं अपनी प्रोफाइल में वो अप्रूव हो चुकी हैं। तो फिर ये जो जितनी भी चीज़ें आपने ऐड की हैं वो सारी आपके प्रोफाइल के अंदर शो हो जाएंगी।
तो ये थी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स, बेसिक क्या बल्कि कंप्लीट ही सेटिंग्स थी। तो यही सेटिंग्स हैं जो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर करनी है, बट मेक श्योर कि अपनी स्किल के रेलिवेंट जो हैं आपने डिटेल्स वहाँ पे ऐड करनी है, कीवर्ड्स वहाँ पे ऐड करने हैं, पोर्टफोलियो वहाँ पे अपने डिटेल्स के मुताबिक ऐड करने हैं। कुछ चीज़ें वो जो मैं भूल गया हूँ उसको मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। वो है लेफ्ट साइड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्किल्स वगैरह ऐड हो गई हैं, ये वाली चीज़ें मैं भूल गया था। तो आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, नॉट प्रमोशन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये जो फेसबुक अकाउंट है, लिंक्डइन, एप्पल को छोड़ दें, फेसबुक और लिंक्डइन, इनको लाजमी आप लोगों ने कनेक्ट करना है। आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक का अकाउंट अपने नेक्स्ट ऐप के ऊपर लॉग इन कर लेना है, इसी तरह से लिंक्डइन का अकाउंट भी नेक्स्ट ऐप के ऊपर लॉग इन कर लेना है। उसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा, आप उसको अलाउ करते जाएंगे तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली शो नहीं होंगे बट कनेक्शन होगा और आपकी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी टोटल सेटिंग्स जो कि आपने पीपल पर आवर की प्रोफाइल के ऊपर परफॉर्म करनी है। आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से ऑफर्स के अबाउट काम करेंगे, कि किस तरह से लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से मैंने प्रोफाइल की सेटिंग की और आपने किस तरह से करनी है अपने स्किल के अकॉर्डिंग। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी किस तरह से गिग्स वर्क करते हैं पीपल पर आवर के ऊपर, या ऑफर्स उन्हें कह सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप गिग्स या ऑफर क्रिएट कर सकते हैं पीपल पर आवर पे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह से आप ऑफर या गिग बना सकते हैं पीपल पर आवर पे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से उस ऑफर या गिग के लिए आप थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। जी तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पोस्ट ऑफर। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस के ऊपर ले जाएगा। इस तरह पे यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होंगी अपनी सर्विसेज के अबाउट। तो इससे पहले एक छोटा सा काम हमें करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे गिग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि वो सर्च इसके अंदर अच्छे से अपेयर हो। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक और टैब खोला हुआ है पीपल पर आवर के ऊपर ही, और यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना सर्च फॉर फ्रीलांसर्स। यहाँ पे आप किसी को हायर करने नहीं जा रहे, बल्कि आप एज अ बायर की तरह देख रहे हैं कि बायर अगर सर्च कर रहा है और तो वो सर्च और फ्रीलांसर करेगा, और यहाँ पे जो इंटरफेस उसके सामने ये सर्च इंजन नज़र आएगा, इसके ऊपर जो भी क्वेरीज लेटेस्ट शो हो रही होंगी वो बायर की तरफ से होंगी, ना कि सेलर्स की तरफ से। तो आपने वो वाले कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं। वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, लेट्स सपोज मेरी सर्विस है वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा वर्डप्रेस। पर यहाँ पे देखें थोड़ा सा वेट करने वाला है, ड्रॉप डाउन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आप इसी तरह अपने जो सर्विस है उसके रिलेवेंट यहाँ पे कीवर्ड टाइप करके इन कीवर्ड्स में से जो भी आपको कीवर्ड्स अच्छे लगें वो आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाईली टारगेटेड कीवर्ड नज़र आ रहे हैं वो है वर्डप्रेस डिज़ाइन और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, राइट। तो ये दोनों कीवर्ड्स मैं पहले ही उठा चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इनको रख लिया, राइट। ये टाइटल बना लिया और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दी, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस मेन काम की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना मेन टाइटल शो करवाना है, जो कि मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने दोनों कीवर्ड्स यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं, वर्डप्रेस डिज़ाइन और वर्डप्रेस डेवलपमेंट। इस तरह से आप और कीवर्ड रिसर्च अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं क्योंकि बेसिक सी कर रहा हूँ, आप लोगों को जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा और अच्छे से और डीप रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपकी सर्विस को बेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मैं इसके लिए £100 चार्ज करूँगा। इसने ये ऑटोमेटिकली डॉलर और यूरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमाइज प्राइस आप शो करें, मतलब £100 डॉलर में यूरो में अगर चार्ज करें तो इतने हों और इसमें हों तो इतने हों, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इसकी प्राइजेस चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर यूरो में चार्ज करूँगा तो वो 150 होगा, और सॉरी डॉलर में चार्ज करूँगा 150 होगा, और यूरो में चार्ज करूँगा तो 160 चार्ज करूँगा, राइट 160।
तो इस तरह से मैंने टाइटल सेटअप किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मैं ये सर्विस कितने दिनों के अंदर डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 3 दिन के अंदर, और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी यहाँ पे कैटेगरी है टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर सब कैटेगरी मेरी है CMS डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा गिग्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक से ज़्यादा गिग्स ही लगाएं। किसी के ऊपर आप ये CMS डेवलपमेंट चूज़ कर लें, किसी के ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट चूज़ कर लें, या अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज चूज़ कर लें, ताकि दोनों कैटेगरीज में आपकी गिग के अपेयर होने के चांसेस बढ़ जाएँ, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा CMS डेवलपमेंट, और यहाँ पे टैग्स ऐड करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, यहाँ पे अपनी सर्विस के रेलिवेंट आप लोगों ने टैग्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पे जो टैग्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ से कीवर्ड्स भी निकाल के ऐड कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे इसी तरह से ही ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे देखें वर्डप्रेस डेवलपमेंट, फिर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देता हूँ अगेन, और यहाँ पे देखें वर्डप्रेस डिज़ाइन, फिर मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, और यहाँ पे देखें वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट अगेन एंड वेबसाइट डिज़ाइन, और फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ अगेन वेबसाइट, और यहाँ पे सजेशंस में मुझे कुछ अच्छे से जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने चूज़ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपलोड करना है एक थंबनेल। अब थंबनेल हम किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास कैनवा है, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे यहाँ पे और कस्टम साइजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें हमारा जो साइज़ होना चाहिए वो थंबनेल का इतना होना चाहिए, 1200x800। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 1200x800, राइट। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी के लिए यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कर ली है। अब यहाँ के लिए हम थंबनेल बनाएंगे। अब थंबनेल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखें इन जितने भी सर्विसेज लगी हुई हैं इनके ऊपर ये एक पिक्चर लगी हुई है, जो मेन पिक्चर है इसको हम थंबनेल कहते हैं। इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं, और हमारे पास ये कैनवस शो हो गया, राइट। और यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी शो हो गई हैं, बट इन टेम्पलेट्स को हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं क्विकली एक अच्छा सा थंबनेल बना लेता हूँ। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड सेट कर लेना है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ, या नॉर्मल पिक्चर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया। बैकग्राउंड कलर चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास मैं इन शेप्स को चूज़ करूँगा थोड़ा सा। तो मैं इस शेप को ज़रा इधर ले आता हूँ, इसको इस तरह से सेटअप करके, और एक्चुअली और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और इसको सेंटर में ले आता हूँ, राइट। तो कुछ इस तरह से मैं इसका कलर यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर मैं कर लेता हूँ राइट नाउ वाइट, राइट। और इसके ऊपर मैं फिर क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेके आया हूँ, और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे स्टाइल्स में टेक्स्ट हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप इन स्टाइलिश या फंकी टेक्स्ट को यूज़ ना करें, बिल्कुल सिंपल और प्लेन टेक्स्ट यूज़ करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, एक टेक्स्ट है पॉपिंस, सर्च किया मैंने, और यहाँ पे हमारे पास ये पॉपिंस आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट शो हो जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, और यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, और इसका साइज़ मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिख लिया बेसिक सा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे अगेन पेस्ट कर दिया, और मैं इसको नीचे ले आऊँगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट, या सिंपल इधर मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कुछ इस तरह से शो करवा देता हूँ। थोड़ा छोटा मुझे इसको करना पड़ेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसको मैं सबको सिलेक्ट करके थोड़ा और नीचे ले आता हूँ, और इस वाली जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से शो करवा देता हूँ, ताकि ये अच्छे से नज़र आए, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, और ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए, और यहाँ पे एक बटन चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ये एक सेंटर, और मैं इसको सर्कल को इधर ले आऊँगा,
इस सर्कल को थोड़ा सा वाइड करके कुछ इस तरह से, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे अगेन वाइट, राइट। और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और अगेन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये फ्रेम्स मौजूद हैं, इस फ्रेम को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ये फ्रेम यहाँ पे आ गया। मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मेरी पिक्चर थी। ओके, इस पिक्चर को मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पिक्चर जो है अच्छे तरीके से सेटअप हो चुकी है। और यहाँ पे अब मैं अगेन एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आने के बाद अगेन मैं इसी वाले एलिमेंट को चूज़ करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेटअप कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं अगेन वाइट कर लेता हूँ, या फिर इसको मैं थोड़ा ब्लैक शो करवा देता हूँ। और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो मैं कुछ इस तरह से अगेन पॉपिंस लेता हूँ, और पॉपिंस का जो टेक्स का कलर है उसको वाइट करके कुछ इस तरह से शो करवाता हूँ। और इसके अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ, या कैपिटल्स में लिख देता हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से, और इसको मैंने सेंटर में ले आया। सेंटर में लाने के बाद इसकी मैं जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा, और इसकी जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वहाँ से थोड़ा सा गैप दे दूंगा ताकि अच्छे से शो हो। अब मैं इसको ले आया इधर लाने के बाद, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर नाउ। इसको मैं थोड़ा और मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। और इसके ऊपर मैं एक और इस तरह की एक लेयर लेता हूँ थोड़ा सा 3D फील देने के लिए, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से ला के सेट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है वो कम कर दूंगा, और कुछ इस तरह से हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो चुके हैं, राइट। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा सिंपल इस तरह से, और ये PNG में ही रहने के बाद उसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो थंबनेल है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, और पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे सर्च करता हूँ, लिखता हूँ सॉरी रीनेम में वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिवेलपमेंट। आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं अपनी सर्विस के रिलेवेंट को यहाँ पे इस तरह से ऐड करके इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद अगेन यहाँ से ब्राउज करना है, और अपना जो थंबनेल है वो यहाँ पे अपलोड कर देना। ओके जी, तो हमारा थंबनेल यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे देखें क्रिएटिंग थंबनेल यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखें हमारा थंबनेल जो है वो लग चुका है। अब इसके ऊपर आप और भी इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस ऑफर को, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन इमेज शो हो रही है जो कि ये है, ठीक है। उसके बाद और इमेजेस शो हो रही हैं एज अ पोर्टफोलियो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और इमेजेस डाल सकते हैं। मैं अपने केस के अंदर यहाँ पे और इमेजेस डाल देता हूँ वही जो मेरे पोर्टफोलियो में, या कोई आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इनको चूज़ करके यूज़ कर लेता हूँ, और ये मैंने अपलोड कर दी। तो यहाँ पे देखें क्रिएटिंग थंबनेल्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो सबसे पहली इमेज आप चूज़ करेंगे वो आपकी इस तरह से सबसे पहले शो होगी, और बाकी इमेजेस इस तरह से बाद में शो होंगी इस तरह से, राइट। तो हमने बाकी सारी इमेजेस यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है अपनी सर्विस की, तो मैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स जो हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं नाम चेंज करना भूल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तौसीक सीनियर वेबसाइट डेवलपर एंड सो ऑन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी पूरी सर्विसेज आ गई। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरह से ड्रैग करके
यूज़ कर लेता हूँ, और एक्चुअली इस वाले सेक्शन को या कोई एक सेक्शन को मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे वाले सेक्शन में डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। और यहाँ पे देखें, अर्न एक्स्ट्रा मनी। लेट्स सपोज आप एक ऑफर कर रहे हैं कि आप वेबसाइट पूरी डिज़ाइन करके देंगे 100 pounds के अंदर। अब इसके साथ आप कह रहे हैं कि मैं आपको क्या करके दूंगा, बेसिक SEO या SEO का प्लगइन सेटअप करके दूंगा, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके चार्ज कर सकते हैं। आई कैन सेटअप रैंक मैथ प्रो विद प्रॉपर सेटिंग्स, ठीक है, और इसके लिए आप क्या चार्ज कर सकते हैं, 30 pounds या कुछ भी जो भी आपका दिल करे, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया ये। इसके अलावा आप और भी एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं, व्हाट यू नीड फ्रॉम द बायर टू गेट स्टार्टेड। लेट्स सपोज मेरे केस के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा वर्डप्रेस लॉगिन्स और cPanel लॉगिन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, और यहाँ पे मुझे चूज़ करना होगा कि मैं रिमोटली काम करूँगा या ऑन साइट, मतलब बायर से मिल के काम करूँगा या रिमोटली। अब हमारे केस के अंदर, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हमारे केस में ये रिमोटली ही होगा, तो मैंने इसको रिमोटली सिलेक्ट किया और इसको आर कन्फर्म करके पोस्ट ऑफर कर दूँगा, राइट। और यहाँ पे देखें तो टाइटल शुड बी मैक्सिमम 64 characters। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा करेक्टर्स यूज़ कर लिए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले कीवर्ड को हटा देता हूँ। I can do WordPress design, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस वेबसाइट, राइट, फॉर योर बिजनेस एक्चुअली। और यहाँ पे मैं अब इसको पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ऑफर है वो कुछ इस तरह से शो कर रही है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दे रहा है कि आप इसको अपनी जो गिग है उसको प्रमोट कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके। तो यहाँ पे उन्होंने रेट्स डिफरेंट बताए हुए हैं, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप अपने गिग को प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को शो हो, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके 19 pounds 7 days के लिए देके आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, आप जस्ट इसको सिंपल स्किप करें, और ये नेक्स्ट क्या होगा, आपका जो गिग है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका URL है उस गिग का। इस गिग को आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। अब हम अपनी जाते हैं प्रोफाइल के अंदर और देखते हैं कि जो ऑफ़र हमने क्रिएट की थी वो शो हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें वन ऑफर्स, और इस तरह से हमने एक अच्छी सी ऑफ़र क्रिएट कर ली। इसको ओपन करेगा जब बायर तो कुछ इस तरह से उसको सारी डिटेल्स शो होंगी, राइट, कुछ इस तरह से उसको सारी डिटेल्स शो होंगी। और यहाँ पे देखें आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाए, अगर आप कोई इशू है इसके अंदर तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें उसी तरह से हमारे जो इमेजेस हैं वो शो हो चुकी हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से आपने एक अच्छा सा गिग बनाना है या ऑफर क्रिएट करनी है, और किस तरह से उसके लिए एक परफेक्ट थंबनेल डिज़ाइन करना है। थंबनेल डिज़ाइन करने के बाद किस तरह से वो सारी सेटिंग्स और किस तरह से वो सारा गिग क्रिएट करना है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरह से आप एक गिग बनाएंगे, गिग थंबनेल बनाएंगे, और किस तरह से ऑफर को सेटअप करने के बाद पोस्ट करेंगे, और क्या क्या उसके अंदर मेथड है, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली प्रपोजल क्रेडिट्स के अबाउट, क्योंकि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप हंटिंग करोगे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करोगे, बिडिंग करोगे या प्रपोजल सेंड करोगे, उस बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को प्रपोजल क्रेडिट्स का पता होना चाहिए। प्रपोजल क्रेडिट्स क्या होते हैं? प्रपोजल क्रेडिट्स बेसिकली पीपल पर आवर के पे, पीपल पर आवर की आप करेंसी कह सकते हैं कि जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक मंथ के अंदर आपको 15 प्रपोजल क्रेडिट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मंथ के अंदर आप 15 जॉब्स पे ही अप्लाई कर पाओगे। इससे ज़्यादा जॉब्स पे अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रपोजल क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपके पास
प्रपोजल क्रेडिट खत्म हो गए हैं एक मंथ के, आपने 15 यूज कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको फिर से 15 मिल जाएंगे। तो इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन आपको कहाँ पे नजर आता है। अगर आपको मजीद प्रपोजल क्रेडिट्स बाय करने हैं तो आपको क्या करना होगा और कितने में आपको कितने प्रपोजल क्रेडिट्स मिलते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, हमें सिंपल जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डैशबोर्ड का। सिंपल अपनी डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें प्रपोजल क्रेडिट्स 15 अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इस मंथ में आपको 15 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा या माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर ये 15 हम इस मंथ यूज नहीं करते तो क्या नेक्स्ट मंथ हमें जो 15 मिलेंगे तो हमारे पास टोटल 30 प्रपोजल क्रेडिट्स हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपके पास 15 ही रहेंगे। अगर आप ये यूज़ कर लो तो दैट्स फाइन, अगर नहीं करोगे तो ये वैनिश हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ के 15 ही आपको मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, ये मुझे ले जाएगा कुछ इस तरह के सेटअप के ऊपर, और यहाँ पे देखें मुझे ये शो करवा रहा है कि आपको इस तरह से क्रेडिट्स मिल सकते हैं। जैसे 7.95 पाउंड के अंदर आपको 5 प्रपोजल क्रेडिट मिलेंगे, मतलब 5 आप एक्स्ट्रा जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे प्राइजेज हैं, और यहाँ पे देखें 29 पाउंड के अंदर आप 50 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट जॉब्स के अंदर। तो सिंपल आप ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल देंगे और यहाँ पे पे नाउ कर देंगे। अब अगर आपको बाय करने हैं ये प्रपोजल क्रेडिट्स और आप लोगों के पास किसी किस्म का कार्ड नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि नया पे का जो कार्ड है वो किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको यूज़ करना है बाइंग या परचेजिंग के लिए। तो वो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। तो ये थे प्रपोजल क्रेडिट्स और किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी रहा होगा प्रपोजल क्रेडिट्स के अबाउट, पीपल पर आवर में। स्टिल कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अच्छी जॉब्स ढूंढ सकते हैं पीपल पर आवर के ऊपर और उनके ऊपर बिड कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से और कौन से सेक्शन में जाके आपको जॉब्स नजर आएंगे और किस तरह से आप अच्छी जॉब्स को एवेलुएट करके साइड पे कर सकते हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने जाना है यहाँ सर्च के ऊपर। सर्च पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है सर्च फॉर प्रोजेक्ट्स टू कोड ऑन। तो सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया। बेसिक से इंटरफेस है, यहाँ पे आप अपने स्किल के रेलिवेंट कोई भी जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप वर्डप्रेस सर्च करोगे, ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की जॉब्स ही यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, आपने जो भी सेटिंग्स के अंदर जब आपने प्रोफाइल बनाई है, जो भी सेटिंग्स के अंदर जो भी स्किल्स और इंडस्ट्रीज वगैरह सेलेक्ट की होंगी उससे रेलिवेंट ही आप लोगों के पास क्या शो होगा, यहाँ पे जॉब शो होंगी। और ये जॉब्स सिर्फ एक ही दफ़ा शो नहीं होंगी, यहाँ पे क्या होगा कि ये जॉब्स मज़ीद आपको शो होती रहेंगी। अगर 5 मिनट बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ नया जॉब होगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आपको नज़र आएगा फीचर्ड। इसका मतलब ये है कि जिस बायर ने ये जॉब पोस्ट की है उसने पीपल पर आवर को पैसे दिए इसको टॉप पे रखने के लिए ताकि उसको एक अच्छा फ्रीलांसर मिल सके, राइट? तो ये था कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जॉब्स आपको नज़र आ रही हैं, इनका टाइम नज़र आ रहा है कि 5 मिनट अगो ये जॉब पोस्ट हुई है, ये जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। इस तरह से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें कुछ और जॉब्स भी नज़र आ गई होंगी। तो यहाँ पे देखें एक और जॉब, आई थिंक वही है लेकिन नई जॉब नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ये क्या नाम है उसकी प्राइस नज़र आ रही है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड प्रपोजल। अब यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, या मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाले चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने मिनिमम 50 पाउंड से नीचे वाले प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना ही नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आवरली हो, जैसे ये $21 पर आवर है, ठीक है, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो $5 पर आवर हो, $10 पर आवर हो, क्योंकि वो आपको आवरली पे करेगा, राइट? तो वो आपकी अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। लेकिन जो फिक्स्ड प्राइस है उसके अंदर आप कोशिश करें कि $50 से नीचे या 50 पाउंड से नीचे अप्लाई करें ही ना, आपका जो प्रपोजल क्रेडिट है वो भी आप रिस्क पे लगाते हैं।
तो नॉर्मली मैं तो 100 पाउंड से नीचे करता ही नहीं हूँ अप्लाई, बट आपको चाहिए कि आप मिनिमम $50 या 50 पाउंड से नीचे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिल्कुल अप्लाई मत करें। दूसरी चीज़ यह है कि आप कोशिश करें कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करें, जैसे ये सिक्स मिनट अगो और यहाँ पे देखें ये 13 आवर अगो अप्लाई कर सकते हैं अगर जॉब अच्छी है और आपको समझ आ रही है। दूसरी चीज़ यह है कि वो जॉब आपके रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब आपकी स्किल से रेलिवेंट। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई आपकी जो स्किल है वो वर्डप्रेस है और कंटेंट राइटिंग की जॉब है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर पेमेंट ज़्यादा लिखी हुई है और अच्छा बायर पे कर रहा है, तो वो आपको चाहे हायर भी कर लेगा, लेकिन अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे अपनी स्किल या अपने वर्क से, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिफंड देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट के ऊपर पॉपुलैरिटी, लेटेस्ट तो लेटेस्ट के ऊपर कर सकते हैं, बजट के अंदर आप इसकी फ़िल्टर लगा सकते हैं और इस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग में ही जाता हूँ और यहाँ पे देखें मुझे सारी जॉब्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग एंड टेक की ही शो हो रही हैं, क्योंकि मैंने ये वाली जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट की थी प्रोफाइल क्रिएट करते हुए, राइट। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस है, इसको यूज़ करते हुए आप ये जॉब नज़र आएंगी और इनके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा और आपको जैसे सेंड प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें आपको ये प्रपोजल का ऑप्शन और कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इनके अंदर क्या लिखना है, क्या किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ें किस तरह से होंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके ऊपर मैं बात करूँगा और बहुत ही डिटेल के अंदर बात करूँगा, क्योंकि प्रपोजल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना बनता है, ताकि अगर आप प्रपोजल सेंड आउट करो क्लाइंट को तो वो देख के अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करे, आपके प्रपोजल में इतना दम होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको प्रपोजल के अबाउट बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से प्रपोजल आप लोगों ने सेंड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं और कौन कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए एक जॉब को सिलेक्ट करने में या उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए एज अ न्यू। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जब आपने जॉब सिलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या स्टेप होने वाले हैं, किस तरह से आप प्रपोजल राइट करेंगे और किस तरह से आप प्रपोजल सेंड करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अभी के लिए मैं दोबारा से इधर चला जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के ऊपर और यहाँ से कोई सूटेबल प्रोजेक्ट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्रिएट अ ब्यूटीफुल आई कैचिंग लोगो, तो ये लोगों की वो हैं जॉब्स हैं, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होना चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट 207 पाउंड। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इसकी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ कि इसको क्या चाहिए। नीड अ वेबसाइट डिज़ाइनर फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट, वी विल इंक्लूड द फॉलोइंग: मेन प्रमोशन पेज, स्पीकर प्रोफाइल पेज, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पोस्ट रजिस्ट्रेशन पेज, प्रीवियस इवेंट आर्काइव्स, लोकेशन इवेंट प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ द होटल्स दैट कैन बी बुक्ड, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट अस, स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट पेज एंड वॉलंटियर। ये उसने बेसिकली पेजेस बताए जो कि उसको वो वेबसाइट के अंदर चाह रहा है, ठीक है, और उसने कुछ एग्जाम्पल वेबसाइट्स दी हैं, राइट। इन एग्जाम्पल वेबसाइट्स को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखें, कोई भी जगह पे आप प्रपोजल सेंड करने से पहले आपने अच्छे तरीके से उस जॉब को अंडरस्टैंड करना है और क्लाइंट की नीड को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही प्रपोजल राइट करने पे फोकस करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास बनी बनाई टेम्पलेट शो होती हैं और उनको वो बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब तरह की जॉब्स के लिए, तो ऐसा नहीं करना। टेम्पलेट हमने भी बनाई है लेकिन उसको हमने कस्टमाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह की ये एक वेबसाइट है जो कि नॉर्मल सी ही वेबसाइट है, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है, ये भी काफ़ी बड़ी और अच्छी वेबसाइट है, राइट। तो चलें इसको अब प्रपोजल राइट करते हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट समझ आ चुकी हैं और इसको अभी हम प्रपोजल राइट करते हैं। तो प्रपोजल राइट करने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक प्रपोजल को राइट करने पे। तो बेसिकली आपको 5-step formula यूज़ करना है कि किस तरह से आप अपने पूरे प्रपोजल को 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो
डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप क्लाइंट को ये बताते हो कि क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड है और हम उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। दूसरे स्टेप के अंदर आप ये बता देते हो, आप कोई कॉल टू एक्शन ऐड कर देते हो, और तीसरे स्टेप में आप अपना पोर्टफोलियो शो करवाते हो। फोर्थ स्टेप में आप क्या करते हो, एंडिंग लाइंस बताते हो या पोर्टफोलियो का कोई और हिस्सा ऐड करते हो, और लास्ट में फिर एंडिंग और रिकार्ड्स होता है, राइट। आपको प्रपोजल इतना कोई लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है और रैंडम प्रपोजल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटा कंसाइज लेकिन टू द पॉइंट प्रपोजल लिखना है। क्लाइंट के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं, सिर्फ आप एक अकेले इंसान नहीं होते जो उस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो, तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इस जॉब पे ऑलरेडी 21 प्लस लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो हमें भी अप्लाई करना है, लेकिन हमारा प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो अब यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट सेट की हुई है। देखिए, यहाँ पे हमने इनिशियल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लिखनी है और बताना है कि क्लाइंट को कि हम उसे क्या दे सकते हैं और उसकी क्या डिमांड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कॉल टू एक्शन दिया है, फिर यहाँ पे मैं अपने जो है पोर्टफोलियोज वो ऐड करूँगा, और यहाँ पे अपने पोर्टफोलियोज के लिंक ऐड करने हैं। मिनिमम आपने 5 लिंक्स ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, कम कर सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे 5 ही ऐड करने, राइट। यहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड नहीं किए हुए क्योंकि पोर्टफोलियो लिंक्स फिर कॉपी हो जाते हैं और हर जगह पे यूज़ होते हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने वो रिमूव कर दिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक और अपना जो पोर्टफोलियो प्रपोजल है, प्रपोजल के अंदर वो ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पे फिर मेरे एंडिंग वर्ड्स हैं। लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो चीज़ मैं खुद यूज़ करता हूँ मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते और आपको इधर उधर की बातें सुना देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मुझे उनसे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलें इसको कॉपी करते हैं, राइट। कॉपी किया हमने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। और इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ से मुझे इसको ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रपोजल है। अब इन जगहों पे मुझे अपनी जॉब डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे देखिए नीट वेबसाइट इज एम फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई कैन हैंडल यूर आई कैन डिज़ाइन यूर वेबसाइट फॉर साइबर सिक्योरिटी इवेंट दैट विल बी रिस्पॉन्सिव फास्ट लोडिंग एंड मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टैंडर्ड्स, राइट। इस तरह से मैंने लिखा, तो ये मैंने उसको बता दिया कि उसको क्या चीज़ चाहिए और किस तरह से वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ 1-2 लाइनों के अंदर मैंने बता दिया कि उस क्लाइंट को क्या चाहिए। अब यहाँ पे मैं उसे बताऊँगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के रिलेवेंट। तो यहाँ पे मैं मैं कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। लेट्स से डिज़ाइन योर इवेंट साइबर सिक्योरिटी इवेंट वेबसाइट विल बी फास्ट लोडिंग, बल्कि ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, ऊपर ही मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे कुछ और मेंशन कर सकते हैं हम, जैसे वेबसाइट विल बी SEO ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, और इसी तरह से आई विल प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स टिल योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपने लिखने, बट मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट्स के रेलिवेंट ही हो। अब यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल थी नहीं प्रोजेक्ट की, तो मुझे ये इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन्हीं जो प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन है उसी में से एक पॉइंट निकालना और उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जिस मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ
कि किस तरह से आपने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करना है। हर प्रोजेक्ट की एक डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट और क्लाइंट की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, तो आपने अपने प्रपोजल को इसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही डिज़ाइन करना और उसके बाद सेंड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये प्रपोजल यहाँ पे है और यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। राइट नाउ मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो लिंक्स नहीं ऐड कर रहा, मैं जस्ट जो मेरा ये वाला पोर्टफोलियो इसी को शो कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो लिंक्स लगाता हूँ, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर एंडिंग वर्ड्स मेरी टेम्पलेट मैंने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया इस तरह से अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रपोजल। और यहाँ पे मैंने जो भी क्लाइंट का टाइटल था, जो वेबसाइट या प्रोजेक्ट का टाइटल था, वो ऐड किया। और यहाँ पे मैंने अमाउंट बता दी, क्लाइंट की अमाउंट थी 207, तो मैं इतनी ही अमाउंट ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर मैं 207 ही ऐड करूँगा, राइट। पर यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड एंड फीचर। सेंड का मतलब ये है कि सिर्फ आप सेंड कर दें, और सेंड एंड फीचर का मतलब ये है कि सेंड हो जाए और उसके बाद इसको फीचर कर दें। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो प्रपोजल है क्लाइंट को सबसे टॉप पे नज़र आएगा, राइट। जिससे उसकी और हमारी कम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, और कम्युनिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस है तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, समटाइम बेनिफिशियल होता है अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि इसी को ही यूज़ करता हूँ, तो आप लोगों ने इसी को ही यूज़ कर लेना। और यहाँ पे इसको चेक कर देना कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाए तो मुझे बता दे, ताकि मैं इसके वेट ना करूँ इस क्लाइंट का। तो सिंपल इसको सेंड कर देना। हमने सेंड जैसे ही किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारा जो प्रपोजल है वो सेंड हो गया। और यहाँ पे देखें फिर कह रहे हैं कि फीचर कर लें, लेकिन मैं इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद मेरा जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को चला गया, राइट। अब जब क्लाइंट इसको देखेगा और तो वो मुझे वापस मैसेज कर सकता है। अब जैसे ही मैंने ये प्रपोजल सेंड किया और मैं डैशबोर्ड में गया, तो यहाँ से देखें मेरा जो एक प्रपोजल क्रेडिट है वो एक कम हो चुका है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पैटअप करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन थी, सॉरी ये हमारे पास प्रपोजल था, प्रपोजल का लेआउट था। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से प्रपोजल का लेआउट होता है और उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द जॉब। आपने जॉब पहले अच्छे से समझनी और उसके बाद ही इसको कस्टमाइज करना, और इसमें नेसेसरी पॉइंट्स कुछ इसी तरह से, इसी स्टाइल से और इसी डिज़ाइन से आपने ऐड करना है, ताकि आपका प्रपोजल जब क्लाइंट के पास जाए तो वो एक अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड और क्लीन नज़र आए, और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज हो, इतना ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। अब वो आपके ही प्रपोजल तो पढ़ने नहीं बैठेगा, तो जस्ट ऐसी चीज़ को यूज़ करें या इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएं कि ईजिली उसको समझ आ सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और वो ईजिली आपका प्रपोजल को विद इन 1 to 2 minutes के अंदर स्कैन करके बता सके कि आपको उसके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो, राइट। तो इस तरह से कुछ प्रपोजल की जो टर्म्स हैं या प्रपोजल की जो ट्रिक्स हैं वो हैं। तो इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको ये वाला सैम्पल प्रपोजल चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आपको ये प्रपोजल सेंड कर दूँगा एग्जैक्टली लाइक दैट। आप इसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Till then keep learning, keep exploring. अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा प्रपोजल लिख सकते हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बात की थी एक प्रपोजल के टेम्पलेट की, और उसको किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। तो चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद उस प्रपोजल में किस तरह से हमने उस टेक्स्ट को, चैट जीपीटी वाले टेक्स्ट को ऐड करना है, और किस तरह से अपना प्रपोजल फाइनल करना है। मेन लेआउट हमारा वही रहेगा और उसी को ही फॉलो करना है। चैट जीपीटी से हमने कुछ मेन चीज़ें लिखवानी और उनको हमने उस लेआउट के अंदर एम्बेड करके फिर प्रपोजल सेंड कर देना है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए पीपल पर आवर के लिए जो है प्रपोजल लिख सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आने के बाद हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डिवेलपर $2.5K विच इज़ वेरी गुड, और इसने ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, इसका मतलब ये अच्छा क्लाइंट है। और यहाँ पे देखें एक अच्छी प्राइस का जो प्रपोजल है वो यहाँ पे हमारे सामने है।
तो अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं वो इसने दी हुई हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही इसके ऊपर अप्लाई करना है अगर आपकी जो स्किल्स हैं वो इससे मैच कर रही हैं तो। राइट, तो यहाँ पे हम इसकी जॉब समरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर वर्कर्स डिजाइनर एंड बिल्डिंग मैनेजर ओके। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ ली है, और ये एक शख्स की तलाश के अंदर है जो कि इनके लिए इनको वो ऑनगोइंग के हायर करना चाह रहे हैं पर मंथ, और वो बेसिकली इनकी जो टेक्निकल टीम है उसका हिस्सा बनने जा रहा है जिससे ये डिफरेंट टेक्निकल टास्क करवाएंगे। और बेसिकली ये एजेंसी है, ये आगे से क्लाइंट पकड़ते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हमसे करवाते हैं। तो ये इस तरह के कैंडिडेट हायर करना चाह रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और इस पूरी जॉब को मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं इधर चैट जीपीटी में आया, डबल कोट शुरू की, पूरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो पेस्ट किया और डबल कोट्स बंद कर दिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूँ कि ये पूरी जॉब है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ शॉर्ट एंड कंसाइज प्रपोजल फॉर दिस जॉब, ठीक है। सिंपल मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा और मैं एंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें चैट जीपीटी लिखना स्टार्ट कर देगा और एक काफ़ी लेंथी जो है वो एक प्रपोजल लिखेगा। तो यहाँ पे देखें इसने काफ़ी लेंथी प्रपोजल लिखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसे कहूँगा कि मेक इट शॉर्ट एंड ऐड सम बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था, फर्स्ट वाली चीज़ थी जो हमने अपने प्रपोजल के अंदर इम्बेड करनी थी, वो इसने हमें लिख के दे दी और इसके अंदर पूरी समरी बता दी उस पूरी जॉब की कि उसको क्या चाहिए, हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रपोजल के अंदर, यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा प्रपोजल बन गया एक मिनट के अंदर अंदर इतनी अच्छी जॉब के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल जाते हैं यहाँ पे पेस्ट करेंगे एक दफ़ा से, दोबारा से इसको ज़रा पढ़ लेंगे, देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें विद एक्स ईयर्स, तो मैं इसको 5 ईयर्स कर देता हूँ, विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखें इसने अच्छे से लिख दिया है, और यहाँ पे मैं पिच भी कर रहा हूँ कि मैंने बेसिक तो बता दिया क्लाइंट को कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ और इस तरह से करूँगा। तो और मैंने यहाँ पे पिच कर दिया कि मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखें प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें 10 मिनट नहीं लिखूंगा, मैं इसमें 30 मिनट लिखूंगा, क्योंकि क्लाइंट भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करता है कि 10 मिनट के अंदर इतने प्रोजेक्ट की मीटिंग नहीं हो सकती। तो मैंने अच्छे से उसको कस्टमाइज करके 30 मिनट कर दिया ताकि क्लाइंट को भी लगे कि ये बंदा विलिंग है और कॉन्फिडेंट है इस प्रोजेक्ट के अबाउट, इस वजह से ये मुझे कॉल पर भी बुला के बात करना चाह रहा है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्लाइंट इस पर रिस्पॉन्स करे और हमें क्या करे, मीटिंग के लिए बुला लें। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। एंड सॉरी, यहाँ पे मैं नाम चेंज करना भूल गया, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड हेडर लिख देता हूँ एंड दैट इज ऑल, और मैं इनको इसको रिमूव कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ पे मैंने प्रपोजल जो है इररिलेवेंट लिखा हुआ है एहसान दानिश का, जबकि प्रपोजल जो प्रोफाइल है वो तौसीक हैदर की है। राइट, तो आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास अब और कुछ है नहीं, तो मैंने सिंपली यही अटैच कर दिया। एंड यहाँ पे मस्ट बी बेस्ड इन यूके। अब यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि वो यूके के अंदर ही होना चाहिए, मतलब इन साइट होना चाहिए, ऑनलाइन वो हायर नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे हम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए, तो हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो मेन बात थी वो ये थी कि आप किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए प्रपोजल राइट डाउन कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, और यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने बता दिया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इस पर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना जो प्रपोजल क्रेडिट है वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेक श्योर करें कि जब इस तरह के कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो, तो इसका मतलब यह है कि क्लाइंट ऑनलाइन काम करने के लिए भी विलिंग है।
तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप किसी भी जॉब के लिए अच्छा प्रपोजल राइट डाउन कर सकते हैं और उसको अपने जो प्रपोजल की टेम्पलेट है उसके अंदर इम्बेड करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रपोजल्स हैं उनमें मुझे काफ़ी सारा रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव नज़र आया है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भी और उनकी कम्युनिकेशन भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पीपल पर आवर से आप किस तरह से अपनी पेमेंट्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं या कौन कौन से पेमेंट मेथड्स जो पीपल पर आवर सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँगा फीस और टैक्सेस के अबाउट के फ्रीलांसर से कितना चार्ज करता है अपवर्क पर प्रोजेक्ट पे। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको मजीद डिटेल के अंदर देखें। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट्स का। सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये आपसे कहेगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर दें। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर देता हूँ, लेट्स से APS लिख देता हूँ और सिंपल सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे ये सारी पेमेंट्स शो करवा रहा है, स्टेटमेंट्स, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी तक कोई पेमेंट मेथड भी एडिट नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं पेमेंट सेटिंग्स के ऊपर और आपको ये यहाँ पे ले आएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से आके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सेटिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये पेमेंट्स के ऑप्शन पे आप आ जाएंगे, राइट। पेमेंट का ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखें विड्रॉल अकाउंट्स, इसको जैसे ही एडिट करेंगे और ऐड अ न्यू अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे देखें आप पेपल, पाइनियर, ACH बैंक जिसे वाइज का बैंक भी कहते हैं या कोई भी और बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर पाइनियर यूज़ करते हैं तो सिंपल आपने पाइनियर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे करेंसी कोई भी सिलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले जाएगा इस जगह पे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर, और अपना जो पाइनियर अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था कि किस तरह से पाइनियर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो आप लोग अपने प्रोफाइल के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उस पाइनियर को यहाँ पे लॉगिन कर लेना और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच हो जाएगा विदाउट एनी इशू, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो इशू है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोगों के पास जो फ्रीलांसर फीस है पेपल पर आवर कितनी कट डिटेक्ट करता है फ्रीलांसर से। तो यहाँ पे देखें, अगर आप एक क्लाइंट के साथ 5,000 pounds तक काम कर चुके हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको 3.5% उस प्रोजेक्ट में से देना पड़ेगा, राइट। इसी तरह अगर आपने किसी प्रोजेक्ट का काम किया और 250 pounds से 5,000 pounds के दरमियान में कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, ठीक है, या फिर इतना काम आप उसे एक क्लाइंट के साथ कर चुके हैं तो आपको 7.5% देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पर बायर, इट्स नॉट कि आप पूरी प्रोफाइल पे फिर इतना टैक्स देना शुरू कर देंगे, पर बायर की बात हो रही है या उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, अगर आप 250 pounds से नीचे वाला ऑर्डर करते हैं तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा उस पीपल पर आवर को एज अ फी देनी पड़ेगी। मान के चले अगर आपने $100 या 100 पाउंड का काम किया है तो आपको उसमें से 80 पाउंड मिलेंगे, 20% जो है वो पीपल पर आवर काट लेगा। तो ये बेसिक सी फीसिस हैं पीपल पर आवर की तरफ से, जिनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं मजीद। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि पीपल पर आवर कितनी डिडक्शन करता है फ्रीलांसर से। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से पाइनियर अकाउंट जो है वो आपने लिंक करना है अपने पीपल पर आवर के अकाउंट से, राइट। और पीपल पर आवर का, सॉरी, पाइनियर का अकाउंट किस तरह से आपने क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है, सारी चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो और इसके साथ साथ कमेंट भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले कम्युनिकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन फ्रीलांसिंग। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल
यू आर टॉकिंग विद योर क्लाइंट ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो जो क्लाइंट है वो पेमेंट्स पे कर रहा है और उसको एक एक्सपर्ट चाहिए अपना काम सही तरीके से करवाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो किसी भी एरे गैरे को हायर तो नहीं करेगा और किसी एक्सपर्ट को ही ढूंढेगा, चाहे उसे $5 का काम ही क्यों नहीं करवाना, फिर भी वो एक्सपर्ट ही ढूंढेगा। तो आप लोगों को किस तरह से शो करवाना है या कैसे क्लाइंट को पता चलेगा कि आप एक्सपर्ट हो और आप ही उसके लिए बिल्कुल राइट फिट फॉर दैट प्रोजेक्ट, राइट? तो यहाँ पे बात आ जाती है कम्युनिकेशन की, किस तरह से अपने आप को आप प्रेजेंट करते हो, किस तरह से आप क्लाइंट से उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हो। यहाँ पे मैं बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं कर रहा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन है, ऐसी बात नहीं है। एक अच्छी कम्युनिकेशन के अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि आप क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें, ठीक है, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश में दें या फ्लुएंट इंग्लिश में दें, नो मैटर। क्लाइंट आपको कभी भी इस बात पे नहीं कहेगा कि आपने यहाँ पे ही शीट क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, हैव लगाया है, हैज लगाया है, इन चीज़ों में क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। आपकी बेसिक इंग्लिश है, दैट्स फाइन। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ के अबाउट झिझक महसूस नहीं करनी और आपकी जितनी इंग्लिश बेसिक है आपको ही शीट का पता है, दैट्स फाइन। तो ये सारी चीज़ें, राइट? अब कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ टैक्टिक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। उन सारी चीज़ों को मैं इस पूरे मॉड्यूल के अंदर बताने वाला हूं और इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा वीडियोस हैं और मैं आपको कुछ लाइव चैट्स भी दिखाऊंगा अपने क्लाइंट्स की, और जिसके अंदर से मैं कुछ पुरानी वीडियोज़ भी ऐड करूँगा। लेट्स सपोज मैंने अपर के ऊपर किसी क्लाइंट के साथ बात की है तो वो बिल्ली वीडियो उसकी रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। पीपल पर आवर पे किसी क्लाइंट के साथ मेरी बात हुई और उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया, उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से मैंने प्रपोजल भेजा, किस तरह से हमारी बात हुई, किस तरह से इसने मुझे हायर कर लिया, राइट? तो यहाँ से आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा, बल्कि अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन आप लोगों ने करनी है। अब यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेयर कर रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं छुपा रहा, आपकी ओरिजिनल ऑफिशियल प्रोफाइल से चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो विच इज़ मीन अलाउड। इस बारे में आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल ये कॉन्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है, राइट? तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन वाले मॉड्यूल के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए अपर पे मेरी इस क्लाइंट से इस तरह से बात हुई और हमने इस तरह से इसने मुझे हायर कर लिया, तो आपने इस तरह मतलब ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करनी कि ये तो अपर पीपल पर आवर का कोर्स था, इसने अपर कहाँ आ गया। यहाँ पर मैं कुछ वीडियोज़ जिसके अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट यहाँ का भी सेम है, अपर का भी सेम है, फाइबर का भी सेम है, राइट? बात हो रही कम्युनिकेशन, तो आपने कम्युनिकेशन पर फोकस करना है कि किस तरह से मैंने क्लाइंट से बात की, चाहे वो अपर के फाइबर है या पीपल पर आवर है, और किस तरह से हमारी बातचीत हुई और मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, किस तरह से मैंने प्रपोजल लिखा, चाहे अपर के पीपल पर आवर, कम्युनिकेशन सेम है सब जगह। तो आपने सिर्फ कम्युनिकेशन पर फोकस करना है चंद एक वीडियोज़ के ऊपर, राइट? और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को कुछ और टैक्टिक्स, कुछ और चीज़ें बताऊँगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है आप लोगों को बताना, ताकि वो आप भी फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट्स मिले, आपके फ्रीलांस करियर के अंदर हेल्प मिले एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, और आप लोगों ने अब इसको फॉलो करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसके अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की पहली वीडियो बात। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई भी हेल्प या कंफ्यूजन हो और उसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पीपल पर आवर पे किस तरह के स्कैम्स चलते हैं। हर मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स अवेलेबल होते हैं और इस मार्केट प्लेस के ऊपर भी काफ़ी सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट कॉमन स्कैम ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे और आपको डायरेक्ट कहेंगे कि आप अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, और वो टेलीग्राम का नंबर शेयर कर देंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि टेलीग्राम पे बुलाती है पर जाने का नहीं। तो आप लोगों ने इस तरह के लोगों को सिंपल रिस्पांस नहीं करना और इनको अवॉइड करना है। टेलीग्राम जहाँ पे देखें आप उस क्लाइंट को छोड़ दें, सिंपल स्ट्रेट, किसी भी तरह के लालच में ना आए, राइट? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपको कुछ इस तरह की फाइल्स यहाँ पे शेयर करेंगे क्लाइंट्स, जिस तरह से कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करें या फिर इस लिंक पे क्लिक करें तो मालवेयर जो है वो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो लैपटॉप है वो हाईजैक हो जाएगा।
तो इसी तरह से रिसेंटली मुझे एक काफ़ी जो है सॉलिड स्कैम देखने को मिला, वो ये था, एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मेरी एक PPT है, उसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इसको स्टडी करें। अब जब मैंने वो PPT ओपन किया, मतलब डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जिप फोल्डर उसने भेजा था, जिप फोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर PPT की फाइल थी, लेकिन PPT का आइकन था। जब मैंने उसकी एक्सटेंशन देखी, मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगा क्लाइंट, मैंने राइट क्लिक करके इंफॉर्मेशन के अंदर जाके उसकी एक्सटेंशन देखी तो .exe एक्सटेंशन थी। इसका मतलब ये था .exe एक्सटेंशन रनेबल या इंस्टॉलेबल प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन होती है, तो कहीं पे भी आप देखें कोई भी फाइल आपके साथ शेयर हुई है तो उसके अंदर .exe हो एंड के अंदर, जिस तरह .jpg होता है, .png होता है, .exe हो तो आपने उस फाइल को कभी भी क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा। तो वो बिल्कुल लेजिट फाइल लग रही थी, लेकिन एंड पे देखा तो .exe था, तो मैंने वो ओपन नहीं की। तो इस तरह के स्कैम से आपने बचना है। इसके अलावा और काफ़ी सारे स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने उन सारे स्कैम्स को अवॉइड करना है और इस तरह के लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना कि क्या पता ये क्लाइंट लेजिट हो, क्या पता ये मुझे प्रोजेक्ट दे दे, ठीक है। तो जो भी टेलीग्राम पे बुलाएगा या फिर इस तरह की कोई भी फाइल आपको शेयर करेगा, तो आपने उस क्लाइंट को अवॉइड करना है, बल्कि उसकी रिपोर्ट करनी है। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से सेफ एंड सिक्योर रहना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं एक लाइव चैट दिखाने वाला हूँ अपने पीपल पर आवर के क्लाइंट की, जिसने मुझे एक प्रोजेक्ट अवार्ड किया £250-270 का एक्चुअली। और ये प्रोफाइल मैंने रिसेंटली स्टार्ट की थी अपर के ऊपर अपने नाम की, इसके साथ साथ मैंने 2-3 प्रोफाइल्स और भी शुरू की थी। तो ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है और ये क्योंकि स्टार्टर प्रोफाइल थी और मैं इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूँ। यहाँ पे देखें आप स्क्रीन के ऊपर मैंने जो प्रपोजल लिखा है उसी फॉर्मेट के अंदर लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया, इट्स मीन मैंने ट्रांसपेरेंट होके वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी। जैसे यहाँ पे मैंने देखें जो प्रोजेक्ट था उसके रेलिवेंट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, और फिर इसके अबाउट सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे फॉलो की है कि मैं क्या डिलीवर करूँगा और क्या चीज़ें होंगी। फिर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया है कि कॉल आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने सेम वही वर्डिंग यूज़ करके यहाँ पे कुछ लिंक्स यूज़ कर लिए हैं, राइट। अब लिंक्स यूज़ करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने स्टिल वही सारी चीज़ें इस तरह से ऐड की हैं। जैसे उसने ये मुझे ऐड किया तो क्लाइंट का मुझे मैसेज आया, मैसेज करने के बाद ये बेसिकली एक्सेप्टेड बाद में लिखा आता है, पहले नॉट एक्सेप्टेड होता है, उसके बाद मुझे क्लाइंट का मैसेज आया, आई एड एन ओरिजिनली विक्स वेबसाइट एंड सो फॉर, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताया। फिर मैंने उसे क्या किया, कॉल पे बुला लिया, जिस तरह से मैंने आपको कम्युनिकेशन के मॉड्यूल के अंदर बताया, मैंने उसको कॉल पे बुला लिया। कॉल पे आने के बाद क्लाइंट ने क्या किया, मैंने उसको मीटिंग URL सेंड किया और हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद उसने मुझे काफ़ी सारे डाटा भेज दिया अपनी जो भी वेबसाइट थी उसको कंप्लीट करने का, राइट। तो ये सारी कम्युनिकेशन थी। और यहाँ पे देखें हमारे पास £275 का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकें। तो यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट हमारे पास है। अब यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे देखें मुझे सारी चीज़ें, और यहाँ पे देखें इस एक प्रोजेक्ट की वजह से ये 56% जो है वो ग्रोथ आई है, और यहाँ पे देखें मेरा जो सर्ट लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है, तो जिसकी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपने क्लाइंट से बात करनी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन थी नहीं, बेसिक सी कम्युनिकेशन थी, लेकिन एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्लाइंट को वीडियो के लिए बुला सकते हैं और किस तरह से URL शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं पिछले 7 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं सेम टेक्टिक्स यूज़ करता हूँ। क्लाइंट को कॉल पे लेगा, उसके बाद उसका नंबर भी आप ले सकते हैं और आराम से उससे साथ जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सा जो कम्युनिकेशन मेरा क्लाइंट के साथ। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। हमने पूरा कोर्स के अंदर सारी चीज़ें देख ली हैं, किस तरह से पीपल पर आवर काम करता है,
प्रोफाइल बनाने से अप्रूव कराने से लेकर पोर्टफोलियो किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से प्रपोजल सेंड करना है, राइट करना है, कौन से क्लाइंट्स आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, किस तरह के स्कैम से बचना है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम और कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताएं ताकि वो मैं कवर कर दूँ राइट आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके साथ साथ ही मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के पास जो शॉर्ट स्किल्स हैं उनको आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या कोई सॉलिड स्किल नहीं है तो शॉर्ट स्किल आप बहुत ही कम अर्से के अंदर सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर एक सॉलिड स्किल साथ साथ सीखना शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अच्छी स्किल सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अच्छी स्किल्स काफ़ी सारी मैंने अपने चैनल के ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स है, पूरे पूरे कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो उसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग है, हर तरह के CMS की Shopify है, WordPress है, Wix है, Squarespace है, ये सारी चीज़ें हैं राइट, उनको आप सीख सकते हैं। विद इन 2 to 3 weeks के अंदर ये सारी चीज़ें आप आराम से सीख लेंगे। तो आप स्टार्ट कीजिएगा WordPress से पहली बार। अब दूसरी बात, अगर हम बात करें कि शॉर्ट स्किल्स की, तो उन शॉर्ट स्किल्स के अंदर कैनवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैनवा सीख लें। कैनवा बेसिक्स ही आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लोगोज बना के दे सकते हैं, थंबनेल्स बना के दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स के लिए क्लाइंट्स काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह के, और काफ़ी सारे छोटे मोटे टास्क ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक सी वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, अपने चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लाइंट के लिए जो एडिटिंग है वो बेसिक करके दे सकते हैं, या फिर अपना जो पोर्टफोलियो उसको शो करवाने के लिए आप थोड़ी बहुत सारी एडिटिंग सीख सकते हैं। उसके लेक्चर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। तो ये बेसिक्स हैं, VN एडिटर है और कैप कट है, बेसिक्स एडिटर हैं। आप विद इन 2 to 3 days के अंदर आराम से सीख जाएंगे अगर आप सीखना चाहें, और ऑलमोस्ट अच्छे तरह की हर तरह की एडिटिंग जो है वो आप इनके अंदर कर लेंगे। इसी तरह से आप AI को यूज़ करते हुए डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके उनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, और मतलब इस तरह की स्किल्स, और काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं कि जो उनके लिए AI को यूज़ करके डिफरेंट डाटा जनरेट करें और उनके प्रोजेक्ट्स में वो यूज़ करें। अब जैसे मिड जर्नी है, एक दिन में आप ये टूल सीख सकते हैं। इसी तरह से ChatGPT है, ChatGPT को यूज़ करते हुए आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, चाहे पीपल पर आवर है, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म है, सबके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं जिनको राइटर चाहिए। और आजकल ChatGPT राइटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेसिकली ChatGPT राइटर्स क्या करते हैं कि क्लाइंट के गिवन टॉपिक के ऊपर ChatGPT से कंटेंट लिखवाते हैं, और फिर उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, सेटअप करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके अंदर ईट का लेवल ऐड करते हैं। ईट बेसिकली एक SEO का फैक्टर है जिसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और उसके एक अच्छे से वेल स्ट्रक्चर करते हैं, और कोई चीज़ें जो मिसिंग है या AI नहीं अंडरस्टैंड कर सका उनको फिक्स करते हैं, और फाइनल कॉन्टेंट बना के क्लाइंट को दे देते हैं। इसमें यह है कि क्लाइंट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा काम ले लेता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल रिटन आर्टिकल्स। तो ChatGPT को यूज़ करते हुए आप बहुत ही अच्छे तरह के आर्टिकल्स लिख के सेल आउट कर सकते हैं, या कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि कौन कौन सी स्किल्स आप इजीली सीख सकते हैं। ये बेसिक स्किल्स हैं, ये कोई प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए ताकि आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो तो आपको कैनवा आए और आप खुद यूज़ कर सकें। आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट को लोगो चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हायर ना करना पड़े, जबकि आप उसी वेबसाइट का लोगो खुद ही बना सकें और क्लाइंट से $100 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें, ठीक है। अगर क्लाइंट को चाहिए एक कंटेंट राइटर उस वेबसाइट की कंटेंट लिखने के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के लिए, DMCA लिखने के लिए, या सर्विसेज पेजेस का कंटेंट, अबाउट अस का कंटेंट लिखने के लिए उसको एक कंटेंट राइटर चाहिए, तो आप ChatGPT को यूज़ करते हुए वो सारी चीज़ें लिखवा सकें और क्लाइंट से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के लेक्चर्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप सारे लोग वो देख सकते हैं। आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन सा लेक्चर्स आने चाहिए, या किस चीज़ के ऊपर कंप्लीट कोर्स आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब ये कोर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी नई वीडियो की, मैं वो वीडियो बना के स्पेशली आप लोगों के लिए इंटीग्रेट कर दूँगा इस पूरे कोर्स के अंदर।
तो आई होप ये पूरा कोर्स आपको पसंद आया होगा। इसके रिलेवेंट आप नीचे कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और कोर्स के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले कोर्सेज आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीपल पर आवर का एक फीचर है, फीचर योर ऑफर। बेसिकली किस तरह से काम करता है और ये ऑप्शन है क्या। पीपल पर आवर आपको ऑप्शन देता है कि आपने कोई भी सर्विस, कोई भी गिग लगाया है, कोई भी ऑफर लगाई है, या फिर आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और आपका प्रपोजल क्लाइंट की तरफ सबसे ऊपर नज़र आना चाहिए, या फिर जो आपने ऑफर लगाई है, गिग लगाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक शो हो, उन तक प्रायोरिटी के ऊपर उनकी तरफ शो हो, जो कि आपकी सिमिलर सर्विसेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन में आपकी सर्विस शो हो। तो उसके लिए पीपल पर आवर आपसे एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करता है, जो कि ऑलमोस्ट 9.95 पाउंड होती है, राइट। जब वो आप पीपल पर आवर को दे देते हैं तो आपकी जो सर्विस होती है, आपकी जो ऑफर होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक शो होती है, उन तक पहुँचती है, जिससे आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर मिले। तो ये है फीचर योर ऑफर, और इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीपल पर आवर इसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज करता है। इसको आप प्रमोशन भी कह सकते हैं, यानी ऐड लगाना भी कह सकते हैं। अपनी जो पोस्ट है, अपनी जो सर्विस है, उसका पीपल पर आवर के ऊपर आप उसको एज अ प्रमोटेड कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, राइट। इसको मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, और आगे वाली वीडियोस के अंदर मैं ज़रूर इसको लाइव भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं फीचर योर ऑफर के बारे में। तो यहाँ पे देखें, जब आप अपनी ऑफर क्रिएट कर रहे होते हैं तो जब उसको पोस्ट करने लगते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देता है आपको पीपल पर आवर के, आपने जो ये सर्विस क्रिएट की है उसको आप इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, राइट। और उसके लिए आपको 9.95 पाउंड देने पड़ेंगे 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए आपकी जो ऑफर है, आपकी जो गिग है, वो बूस्टेड रहेगी, राइट। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो होगी और उनकी रिकमेंडेशन में जाएगी, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जब आप किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड प्रपोजल एंड फीचर इट। तो जैसे ही आप अगर फीचर इट पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ी सी अमाउंट आपसे चार्ज करेगा और आपका जो प्रपोजल है वो बायर को सबसे टॉप पे नज़र आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब वो सबसे टॉप पे नज़र आएगा तो क्लाइंट आपका प्रपोजल ओपन करेंगे, और आपका प्रपोजल अगर अच्छा लिखा हुआ है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, तो वो ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, जो कि आपके चांसेस को बढ़ाता है हायर होने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखें, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं और इस तरह की कुछ जो है इसके बेनिफिट्स हैं कि प्लेस योर ऑफर एट द टॉप ऑफ द लिस्टिंग, मेक योर ऑफर स्टैंड आउट एंड स्पेशल इंडिकेशन, इंक्रीज योर चांसेस बींग प्रमोटेड ऑफर न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर मतलब जो पीपल पर आवर है वो बायर्स के इनबॉक्स के अंदर भी आपकी सर्विस को प्रमोट करेगा, आपके लिए एक ईमेल भेजेगा जो के उन बायर्स को जो के सिमिलर सर्विसेज ढूंढ रहे हैं जो के आपकी हैं, राइट। तो इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं फीचर योर ऑफर के ऑप्शन से, और कुछ पेमेंट ऐड करके। तो आई होप आपको समझ आई होगी फीचर योर ऑफर क्या ऑप्शन है और किस तरह से ये काम करता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि पीपल पर आवर किस तरह से काम कर सकता है, या फिर आप लोग किन दो तरीकों से अपनी जो सर्विसेज हैं वो पीपल पर आवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है गिग या ऑफर्स। ऑफर या गिग, आपने गिग का नाम अपने फाइवर की टर्म के अंदर सुना होगा। बेसिकली इसमें ये होता है कि आप अपनी सर्विसेज लगा देते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो बायर होता है वो उन सर्विसेज को देखता है, अगर उनमें से कोई रेडीमेड सर्विसेज के अंदर उससे कोई पसंद आती है तो वो आपको ऑर्डर कर देता है, राइट। इस तरह से आप एक कंप्लीट पैकेज बना के एक सर्विस लगा देते हो और बायर उसके ऊपर आता है, राइट। और दूसरा मेथड है कि बायर जॉब पोस्ट करते हैं और आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, राइट। तो ये दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो पीपल पर आवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। इनको मजीद डीप देखने के लिए हम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ लाइव जी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, सर्च फॉर प्रोजेक्ट्स, सर्च फॉर ऑफर्स। सो बेसिकली ये बायर्स के लिए है सर्च करना। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि लोगों ने किस किस तरह से अपनी सर्विसेज लगाई हुई हैं, या फिर क्लाइंट्स ने किस किस तरह से जॉब पोस्ट की हुई हैं। आगे चल के इनके ऊपर किस तरह से आपने अपनी सर्विसेज लगानी है, किस तरह से आपने जो जॉब्स हैं जो पोस्टेड हैं उनके ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, राइट। बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो मैंने इस पे सर्च फॉर ऑफर, सर्च फॉर प्रोजेक्ट को ओपन किया। यहाँ पे देखें ये ऑफर या गिग्स, देखें डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी गिग्स लगाई हुई हैं, अपनी अपनी सर्विसेज के पैकेज बना के लगाए हुए हैं। आप भी इस तरह से लगाएंगे, जो कि आगे चल के मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे ये भाई साहब चार इनिशियल लोगोस डिज़ाइन करके दे रहे हैं, ठीक है, अनलिमिटेड रिविजन के अंदर $25 के अंदर। अब किसी बायर को अगर ये पसंद आ गया, समझ आ गया, तो वो इसको बाय कर लेगा और ये इसको इस पैकेज के मुताबिक सर्विस दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे है और काफ़ी सारी सर्विसेज, तो आप भी इस तरह से अपनी सर्विसेज लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पे दूसरा जो मेथड है वो ये है कि बायर जो है या उसने अपनी जॉब पोस्ट की हुई है कि उसे ये बंदा चाहिए, ये इस काम के लिए ये पर्सन रिक्वायर्ड है, उसने अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट सारी लिख के पोस्ट कर दी। अब हम जैसे फ्रीलांसर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट, और फिर जो एप्लीकेशंस बायर को रिसीव होंगी उसके अंदर से वो चूज़ करेगा कि कौन सा उसे चाहिए, किसको वो चूज़ करेगा और उसको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके उसे पेमेंट करेगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, $22 पर आवर, ठीक है, $220 का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसी तरह से $1200 का ये प्रोजेक्ट है, EW एनिमेटेड कार्टून्स, ठीक है, डाटा एंट्री का $127 का है। फिर यहाँ पे देखें यूरोपियन अमेरिकन आउटरीच वर्क फॉर कैन कैडमियम $700 का। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस के, राइट। तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से पीपल पर आवर वर्क करता है और किस कौन सी दो मेथड्स हैं, कौन से दो मोड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। वन इज़ के बायर प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड वन इज़ दैट कि आप अपनी सर्विसेज एक पैकेज के फॉर्म में बना के, गिग या ऑफर के फॉर्म में बना के लगा रहे हैं और बायर को अगर वो पसंद आ रही है तो वो डायरेक्टली आपको वहाँ से हायर कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्ट के अबाउट, CERT बेसिकली ये क्या है, किस तरह से काम करता है और क्यों ज़रूरी है पीपल पर आवर की प्रोफाइल के अंदर, और इसको मेंटेन या इंक्रीज़ करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपकी प्रोफाइल के लिए। तो जिस तरह से आप अपवर्क या फाइवर के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे लेवल 1 होता है, लेवल 2, टॉप रेटेड प्लस, इस तरह के कुछ बैजेस होते हैं, इस तरह के कुछ लेवल्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल की अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रस्टेड नज़र आते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसके साथ साथ ही आपकी तरफ ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट होते हैं और आपकी रैंकिंग में भी इजाफा होता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक ऑप्शन है माई सर्ट रैंकिंग। अभी क्योंकि प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है और यहाँ पे हमारा जो सर्ट लेवल है वो 1 है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे टॉप है, राइट, और यहाँ पे देखें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बूस्ट माई सर्ट या क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो सर्ट है वो इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है, यहाँ से देखें सर्ट इज़ अ रैंकिंग, इज़ अवर ऑफिशियल रैंकिंग एल्गोरिदम, ठीक है। इसके ज़रिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर्ट का मतलब है क्या। सी का मतलब है कम्युनिटी, ई का मतलब इंगेजमेंट, रिपीट यूजर्ज एंड ट्रस्ट। अब कम्युनिटी इज़ द हार्ट ऑफ एवरीथिंग वी डू, इंगेजमेंट इज़ द वे इन विच फ्रीलांसर इंटरेक्ट विद द बायर, रिपीट यूजेज इज़ अबाउट रिटेनिंग बायर्स, कि आप लोगों को क्लाइंट कितनी दफ़ा वापस हायर कर रहे हैं, एक दफ़ा उसने हायर किया, काम करवाया, उसके बाद आपको दोबारा हायर कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ट्रस्ट, अथेंटिसिटी, इंडोर्समेंट एंड वैलिडेशन, जब क्लाइंट आपको 5-star रिव्यू देता है और आपकी ऊपर अच्छे रिव्यूज़ देता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, या जब आप काम डिलीवर करते हैं तो वो आपके सर्ट लेवल को इंक्रीज़ करता है, राइट। तो ये है टोटल सर्ट, ठीक है, और इसके अंदर जहाँ पे यहाँ पे देखें ये जो मेन पॉइंट है, व्हाट डू वी डिफाइन एज अ हाई क्वालिटी, मतलब सर्ट के अंदर अब मैंने ये बात तो कर दी कि आप लोगों को कम्युनिटी के अंदर इंगेज रहना पड़ेगा और कंटिन्यूसली बिडिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ ही आपको हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना पड़ेगा, और ताकि जो बायर्स हैं वो 5-star आपको रिव्यूज़ दें और अच्छे रिव्यूज़ दें और आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग इंक्रीज़ हो और आपका सर्ट लेवल इंक्रीज़ हो। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये कैसे मेजर करेंगे कि ये हाई क्वालिटी वर्क था या नहीं था। तो यहाँ पे देखें कि आपने जो स्किल्स हैं वो क्या हैं, जब आपको बायर रिव्यू देता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करता है कि इसका स्किल सेट क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑफ वर्क, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटेड, कितने प्रोजेक्ट्स आपने अच्छे तरीके से कम्प्लीट किए हैं 5-star के साथ। लेट्स सपोज आपने 10 प्रोजेक्ट कम्प्लीट किए हैं, सारे 5-star के साथ किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी रैंकिंग को बूस्ट करेगा। और अगर आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट नेगेटिव रैंकिंग के साथ हैं, 1-star के साथ हैं, 2-star के साथ हैं, तो वो आपकी सर्ट लेवल को कहीं ना कहीं
डिक्रीज करते हैं, राइट। इसी तरह प्रोफेशनल एबिलिटी, रिस्पांस टाइम, कितनी जल्दी आप क्लाइंट को रिस्पांस करते हैं, रिलायबिलिटी कि आप मतलब क्लाइंट के साथ काम करते हैं और उसकी जो वर्क है वो अच्छे तरीके से सबमिट करते हैं, और इसके साथ साथ ही कि किस तरह से आप उसकी जो वर्क है उसको डील करते हैं, अगर विद इन टाइम फ्रेम किस तरह से आप उसको डिलीवर करते हैं, मतलब इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इस सारी चीज़ों को अगर मैं एक चीज़ में बंद करूं वो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी क्लाइंट आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको सेटिस्फाई करके भेजते हो हर तरह से, टाइम पे काम डिलीवर करते हो, क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हो, वही चीज़ डिलीवर करते हो जो उसको रिक्वायर्ड है, उसके सेटिस्फेक्शन तक आप उसे रिविजन देते हो और क्लाइंट आपका बिल्कुल हैप्पी और सेटिस्फाई जाता है और रिटर्न में आपको 5-स्टार रिव्यू देता है, तो ये आपकी रैंकिंग एल्गोरिदम को पिच करेगा और आपका सर्ट लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंकिंग्स के अंदर ऊपर आना शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि आप तक ज़्यादा बायर्स पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये था बेसिकली एक सर्ट लेवल। तो अभी के लिए आपकी प्रोफाइल का यहाँ पे देखें सर्ट लेवल बेसिक सा है, क्योंकि अभी हमने कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे किया नहीं है, कुछ भी किया नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो सर्ट लेवल है वो बेसिक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ बूस्ट माई सर्ट, तो यहाँ पे देखें गेट इंडोर्स्ड बाई योर फ्रेंड सर्ट वन प्रीसिक्विटीज To qualify the cert one, you have to get at least 3 endorsement. अब यहाँ पे get endorsement पे क्लिक करेंगे तो आप अपने previous clients को या outside clients हो उनको क्या कर सकते हैं, आप ये भेज सकते हैं, वो आपको यहाँ पे endorse करेंगे और आपका cert level increase होगा, या फिर आप जुगाड़ लगा सकते हैं, you know what. और इसके साथ साथ यहाँ पे invite friends कर सकते हैं, share your people आवर प्रोफाइल, आप इसको सोशल मीडियाज के ऊपर शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह के कुछ काम करने से आपका सर्ट लेवल मज़ीद इंक्रीज़ होगा। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आपके क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ही है। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसको 5-स्टार के साथ अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करके भेजते हैं, तो आपका जो सर्ट लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था सर्ट, आई होप आपको समझ आएगा। स्टिल इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।